आपका क्वेश्चन है, महेश कलेक्टेड द डिटेल्स ऑफ मंथली पॉकेट मनी रिसीव बाय स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50. आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा ही एनालाइज एंड प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन मंथली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. यूजिंग रिपोर्ट ही ड्रू द फॉलोइंग ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ मंथली पॉकेट मनी रिसीव बाय स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. तो इसने ये ड्रॉ किया. क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर आइडेंटिफाई लेस देन एंड मोर देन ऑर गिव. सेकेंड, फाइंड द मीडियन मंथली पॉकेट मनी रिसीव बाय स्टूडेंट्स. थर्ड इज ऑब्टेन द मोड ऑफ डाटा इफ द मीन ऑफ देयर पॉकेट मनी इज 158. ठीक है, तो ये आपका ये ग्राफ है. इसके अंदर यहां पर दे रखा है मंथली पॉकेट मनी, यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड दिस इज अवर क्लास इंटरवल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाएंगे फर्स्ट. तो हमारा क्या आएगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब यहां पर हमको नहीं पता है कि इसमें डाटा क्या है, तो वी विल टेक ऐसा ग्राफ जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. फर्स्ट वी विल टेक कर्व वन. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, या अगर नहीं लिखा है तो आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि क्या है 125.14. तो दिस इज 125 एंड दिस इज 40. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इज 150.22. थर्ड इज 175.34. फोर्थ वन इज 200.39 एंड लास्ट वन इज 225.50. ठीक है, हमने एक ये ग्राफ बना दिया. इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है आपका कि 125 में 14 है, 150 में 22 है. दैट मींस यहां से यहां तक आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है और लास्ट में 50 यानी फुल हो गई. दैट मींस इट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हम यहां लिख सकते हैं इट्स अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF. ठीक है, तो मैं सिर्फ C लिख रहा हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब इफ वी आर राइटिंग मोर देन 125 मीन्स 150 इज ऑल्सो कमिंग, 175 इज कमिंग, 200 इज कमिंग, 225 इज कमिंग. दैट मीन्स मोर देन 125 मीन्स इट शुड बी 50, है ना, इट शुड बी 50. बट हमारा कितना है, ओनली 14. दैट मीन्स मोर देन तो नहीं हो सकता, तो इट इज लेस देन. लेस देन 125 इज 14, लेस देन 150 इज 22. ठीक है, तो आपका क्या हो गया, चेक कर लो. तो क्या हुआ आपका, लेस देन, दैट मीन्स ये जो डाटा हमने लिया है ये किस टाइप का ऑगिव है, इट इज अ लेस देन. दैट मीन्स ये वाला ब्लू कलर का, तो कर्व वन इज लेस देन टाइप. लेस देन ऑगिव,
ठीक है, आइडेंटिफाई लेस देन एंड मोर देन, तो दिस इज लेस देन एंड कर्व टू इज मोर देन। है ना, मैंने कहा ना कि मोर देन 125 लिखा है तो यहां पर 50 आना चाहिए, तो यहां पर आप देखो 100, 50 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज द मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर क्या हो गया, लेस देन में क्या है आपका कर्व वन, एंड मोर देन में आपका क्या है कर्व टू। क्लियर, नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको रब कर दो, रब कर दो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आप ये दोनों में डिफरेंस देखो, 125 एंड 150 कितने का है, 25 का, तो यहां पर क्या होगा आपका 100 और यहां पर 125, यहां पर 150, 175 एंड 200, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल्स बन गए। ठीक है, टोटल क्लास इंटरवल्स बन गए। नाउ अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज दिस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 14 का हमारा 14 है और 22 का आपका कितना आ जाएगा, 22 माइनस 14 इज 8, 22 माइनस 14 इज 8। नेक्स्ट 34 माइनस 22 इज 12, नेक्स्ट 39 माइनस 35 इज 5 एंड 50 माइनस 39 इज 11, तो ये हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने इतना बना के रख लिया पहले से ही। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, फाइंड द मीडियन मंथली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपका क्या है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ग्राफ क्लियर है, इट इज इन ग्राफ शीट, तो आपका जहां पर ये ज्वाइन करेंगे दोनों, मोर देन एंड लेस देन ऑगिव, ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये आपका क्या होगा मीडियन, दिस इज आवर मीडियन। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 155 के ऊपर है, 155 के ऊपर है, 156 भी हो सकता है, 157 भी हो सकता है, क्योंकि ये दिस इज रफ डायग्राम, तो हम यहां पर ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मैंने ले लिया इसको 56। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस चार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, दैट मीन्स आपका मीन का फॉर्म, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो आप निकालो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस नेक्स्ट एन बाई टू माइनस सी एफ वन बाई एफ इंटू एच इंटू एच। ठीक है, तो एल क्या होता है, पहले सबसे पहले हमको जो पता है वो देखते हैं, 50, तो दिस इज 50, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 50, तो एन बाई टू कितना हो गया हमारा 50 बाई टू इज इक्वल टू 25 इज 25। अब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 25 कहां पर आ रहा है, तो 22 एंड 34 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा मीडियन क्लास ले लेंगे फुल, दिस इज अवर मीडियन क्लास, दैट मीन्स 150 और 175 के बीच में कहीं पर भी हमारा एक मीडियन है। ठीक है,
what is L? L is the lower limit, that means 150. तो हम लेंगे यहां पर L is 150 plus n by 2 is 25 minus what is CF1? CF1 क्या होता है आपका जो cumulative frequency है just before that, that means this one is 22 by F. F क्या है आपका इसी में 12 into H. H यानी height of the class interval कितनी है 25. 175 minus 150 is 25. ठीक है. Next आगे करोगे तो आपका आएगा 150 plus 25 minus 22 is 3. 3 by 12 into 25. तो आपका क्या आ गया? चेक करो. 1 and 4 कट हो गया. अब 4 और 25 को कट करना है. तो आपका आ जाएगा 6 times. तो 1 बच गया. पॉइंट लिखेंगे तो 10 हो गया. That means 2 and फिर 2 बच गया आपका. 2020 that means 5. तो आपका मीडियन कितना आ गया 150 प्लस 6.25 दैट इज इक्वल टू 156.25 इज आवर मीडियन. आपका सेकंड वाला वन हमने 56 लिखा था, सॉरी 156. ठीक है, तो 156 लिखा था लेकिन हमारा कितना आया 156.25. तो हमारा जो एक्यूरेट है दैट इज 156.25 इज आवर मीडियम. नेक्स्ट ऑब्टेन द मोड ऑफ डाटा इफ द मीन ऑफ द पॉकेट मनी इज 158. 158 आपका क्या है? मीन है. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या है वो? 3 मीडियम is equal to mode plus 2 mean. ठीक है, तो अब इसने क्या बोला हमको मोड निकालने के लिए. तो हमारा क्या हो जाएगा, मोड is equal to 3 median minus 2 mean. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखते हैं. हमारा आ जाएगा यहां पर 3 इंटू मीडियम. मीडियम कितना आया था 156.25. 156.25 माइनस 2 इंटू मीन. मीन कितना दे रखा है उसने 158. तो आपका क्या आ गया, चेक करो. 3 5 जा 15, 1 कैरी. 3 2 जा 6, 1 7. 3 6 जा 18, 1 कैरी. 3 5 जा 15, 1 16, 1 कैरी. 3 1 जा 3, then 4. 468.75. ठीक है, माइनस 158 इंटू 2 कितना होता है आपका 316. दोनों को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, चेक करो. 758 में 6 गया इज 2. नेक्स्ट 6 में 1 गया इज 5 एंड 4 में 3 गया 1. 152.75 इज द मोड ऑफ दिस डाटा. ठीक है.